टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ये टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे को क्या बताएगा, किसी भी रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है मतलब, और क्या होता है, सब्सटेंस होता है। लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है सॉल्वेंट का भी। सॉल्वेंट क्या काम कर रहा है, उस सिस्टम में इंटरमीडिएट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या इंटरमीडिएट को बनाने में मेहनत करता है, उसका भी एक रोल है। तो हम इसी को करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट को अगर मोटा मोटा डिवाइड किया जाए तो आप मेरे साथ ही लिखेंगे, सॉल्वेंट दो तरह से हमने सॉल्वेंट ले लिया, एक ले लिया पोलर, क्या ले लिया, पोलर, और एक ले लिया नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर से आप थोड़ा सा तो वाकिफ होंगे। पोलर सॉल्वेंट वो है जिनके म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती, म्यू यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, और नॉन पोलर जिसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। बचपन से ही यानी बॉन्डिंग से ही आपने पढ़ा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैंने अच्छा सा आपको पढ़ाया नॉन पोलर, बॉन्डिंग में आप देख सकते हो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, समझ में आ रहा है। वाटर क्या है, पोलर। अल्कोहल क्या है, पोलर। अब पोलर में भी हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया, पोलर में भी दो तरह से हो गया, प्रोटिक प्रोटिक अप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन है, और है नहीं साथ में किससे अटैच है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसे एटम से है। यानी प्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह काम करता है, एच प्लस की तरह। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन हेलोजन एक्सेस्ट्रा, इन सबसे डायरेक्टली अटैच्ड है। और अपर्टिक का मतलब है पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, नॉन पोलर तो पैदाइशी नॉन पोलर होता है, तो आपके लिए यहां पर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हम बात करेंगे तो एक एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी H2O, हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो पोलर प्रोटिक होगा या पोलर अप्रोटिक होगा, पोलर प्रोटिक बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ ले लीजिए आप CH3OH, पोलर प्रोटिक क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तीसरी तरफ यहां ले लीजिए CH3OCH3, सारे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं, पक्का ये पोलर अप्रोटिक होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो नॉन पोलर दिख रहा है, नहीं एक्चुअल में ये बैंड शेप में होता है, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो पाएगा क्या, नहीं, कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जो जिनके लिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो, नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है, जीरो। जैसे आपके पास आ गया बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, CCl4, पक्का, क्योंकि यहां पर नेट डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है आपके लिए, यहां पर जीरो। तो ये पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएंगे आपके लिए, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारी एक एग्जांपल होंगे जो आपके लिए कौन से होंगे आपको टिक करना है। तो मेरे साथ एक टेबल बनाएंगे, लिखें पहले इसको, तो ये एक टेबल है जो हमारे को थोड़ा एग्जांपल बताएगी पोलर अपोलर या नॉन पोलर के बारे में। तो पोलर प्रोटिक है अप्रोटिक है, और इसके अलावा एक और हम समझ सकते हैं, अगर कोई पोलर ही नहीं होगा तो अपन यहाँ क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो H2O क्या है आपके लिए, पोलर, बोलो हाँ या ना। ROH भी पोलर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है यानी प्रोटिक है, प्रोटिक है तो अप्रोटिक नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या रिमार्क लगेगा, इसका पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बोलो यस और नो। ये भी पोलर है, प्रोटिक भी है, तो सेम रहेगा, बोलो क्लियर है। अमोनिया में भी हाइड्रोजन है, पोलर है, प्रोटिक भी है, अप्रोटिक नहीं है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यस और नो। यहां देखिए पोलर है एसीटोन, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन ऐसी नहीं है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन से जुड़ा हो, तो पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं है। कैसा है ये? अप्रोटिक। तो यहां हमारे पास हो जाएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहां देख लीजिए पोलर, सेम थिंग आएगी, कोई भी हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ी होती तो अपन प्रोटिक बोलते हैं, लेकिन कार्बन से जुड़ी हुई है तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये भी हमारे पास सेम थिंग है, आप देख लीजिए कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ने से कोई फायदा है नहीं आप, तो यहां पर भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये भी सेम वही है, आपको वही फील आएगी जो ऊपर वाले में आएगी। ये बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन, एन हेप्टेन, जो भी आ रहा है आपके पास, ये सारी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, प्रोटिक से मुझे कोई मतलब है भी नहीं यहां पर, तो प्रोटिक नहीं है, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? अप्रोटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बोलेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक ही चीज लाइन काम आती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, कि ये तो हो गया एसीटोन, ये हो गया डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डाई मिथाइल DMS सल्फोक्साइड, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड की, जल्दी से बताइए, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। इसकी क्या फॉर्म बनेगी? डाई मिथाइल एसीटेमाइड, डाई मिथाइल एसीटेमाइड। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कॉमन नेम कैसे बने? देखिए फॉर्मेमाइड, अगर यहां पर नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन जुड़े होते तो क्या बन जाता? पूरा का पूरा फॉर्मेमाइड बन जाता, कॉमन नेम बात है। लेकिन दोनों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया आपने? मिथाइल से, तो डाई डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड बोल दो। यहां क्या बनता है? यदि ये रहता नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होते तो क्या बनता? एसीटेमाइड, एसीटोन से एसीटेमाइड बनता है कॉमन नेम में। तो जैसे ही एसीटोन से एसीटेमाइड बना तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाई इथाइल नहीं बोलेंगे, डाई मिथाइल एसीटेमाइड, डाई मिथाइल एसीटेमाइड, क्लियर है? तो DMA, अगर यहाँ C2H5 होता तो डाइथाइल एसीटेमाइड, और वो भी यही होता। आ रही है बात समझ में? डाइथाइल हो, डाई मिथाइल हो, डाई प्रोपाइल हो, डाई आइसोप्रोपाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि हमने सॉल्वेंट को पढ़ा क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि सॉल्वेंट पोलर है, प्रोटिक है, ऐसा क्यों? इसका रीजन आता है इंटरमीडिएट कैसा है, समझ में आ रहा है? मेरी आपकी से पहले ही भी बात हो चुकी है, फिर बता रहा हूँ। आप कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में आपके पास कौन है? एन प्लस, एन प्लस है पक्का। एन प्लस कब स्टेबल होगा? जब इसे पोलर सॉल्वेंट मिले या नॉन पोलर? पोलर, क्योंकि जितने भी आयन है वो पोलर सॉल्वेंट में ही रह पाएंगे, हमने पढ़ा भी है डिजोल्व लाइक डिजोल्व, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये पोलर चाहिए। अब यहां दो बातों पे ध्यान दो, मैंने ईथर ले लिया, मैंने क्या ले लिया? ईथर, और एक मैंने ले लिया वाटर या अल्कोहल, तो क्या होगा? दोनों कंडीशन में क्या होगा? यहां ये इसके साथ सिर्फ इसको बोलेंगे सॉल्वोलिसिस प्रोसेस, क्या बोलेंगे? सॉल्वोलिसिस। सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व तो हो चुका है लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा, यहां सोडियम बहुत ज्यादा बेसिक होने की वजह से इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना लेगा? NOH, और H अलग H2 गैस के रूप में निकल जाएगी, H प्लस H2 में निकल गई। तो हुआ क्या कि हमारा Na प्लस सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्शन करने लगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो कि रिएजेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव हो कि वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्शन करे,
तो सॉल्वेंट कब रिएक्शन नहीं करेगा? जब वो पोलर तो हो लेकिन प्रोटिक ना हो, अप्रोटिक हो, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट एसिडिक होता है, और अगर हमारा रिएजेंट बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है उनमें उनमें। तो जब भी रिएजेंट आपका जब भी रिएजेंट आपका बेसिक होगा, तो प्लीज रिमेंबर दैट हमें इनमें से कोई सा भी नहीं लेना है, पोलर प्रोटिक नहीं लेना है, कोई सा भी नहीं लेना है इनमें से। हमें ऐसी जगह क्या लेना है? पोलर अप्रोटिक। जब भी रिएजेंट बेसिक हो हमें पोलर अप्रोटिक लेना है, कोई डाउट? और जब रिएक्शन फ्री रेडिकल हो, जब रिएक्शन फ्री रेडिकल हो, तो फिर हमारे को ऐसे सॉल्वेंट लेने पड़ते हैं कई बार जो नॉन पोलर हो। तो नॉन पोलर होने के लिए हमारे को या तो इनमें से कोई और, या फिर हम CCl4 जैसे भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए क्या है? नॉन पोलर है, तो रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जो फ्री रेडिकल है वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो तो किसी भी पोलर देखते ही रिएक्शन कर देगा, कोई डाउट नहीं है। तो आपको यहां पर सॉल्वेंट का ये रोल है, लेकिन आपको सॉल्वेंट पता होने चाहिए, और वो आपने पता भी कर लिया। तो पहले ये सॉल्वेंट लिखिए जल्दी से। फर्स्ट, इफ रिएजेंट इज बेस, देन वी नीड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, टिक सॉल्वेंट। इफ रिएजेंट इज बेस देन वी नीड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज बेस कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम विद सॉल्वेंट विद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये आपका की पॉइंट रहा, की पॉइंट एक और की पॉइंट है आपका जो इंतजार कर रहा है, सेकंड। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस, रिएक्शन वी नीड नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये दोनों की पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें इसको।